स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में भी। विराट की मुश्किलें अब शुरू हो चुकी हैं क्योंकि वो पाखी और सई दोनों के बीच बुरी तरह फंस रहा है, और अब ज़्यादा इसलिए क्योंकि अब दोनों एक ही छत के नीचे रह रही हैं। पत्रलेखा विराट के ऊपर चिल्लाती है और कहती है, तुमको सई के अलावा किसी और की चिंता क्यों नहीं। तभी विराट पत्रलेखा को कहता है, तुम समझती क्यों नहीं हो। ऐसा कहकर विराट तुरंत ही पीछे देखता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई आ गया है। सई की जान को खतरा है ऐसा विराट को लगता है। वो भागकर जब देखने जाता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं है, लेकिन विराट बहुत घबरा जाता है और इसीलिए वो जाकर फटाफट से सई को चेक करता है। सई जब से चौहान निवास आई है वो आउट हाउस में रह रही है। विराट वहीं जाकर चेक करता है कि सई ठीक है कि नहीं, तो वो देखता है कि सई और सवी दोनों आराम से अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं। फिर भी विराट का मन नहीं मानता क्योंकि वो जानता है कि आजकल सई की जान के पीछे कोई पड़ा हुआ है, और यही बात वो पत्रलेखा को भी समझाना चाहता है, लेकिन पत्रलेखा है कि कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही। वो तो बस एक ही रट लगाए बैठी है, बोलो विराट बोलो, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारा और सई का। विराट उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस इतना कहना चाहता है कि सई की जान को खतरा है, इसलिए उसे सई का भी बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पत्रलेखा उसके तो कुछ भी समझ में आजकल नहीं आता। पत्रलेखा तो सई से इतनी नफरत करती है कि वो सई को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने सई से नफरत करने की सारी हदें पार कर ली हैं। वीनू को भी उसने सई के बारे में इतना ज़्यादा भड़का दिया है कि विनायक अब सई को खड़ा भी नहीं करता। सई के नाम से वो थर थर कांपता है। विराट को जब आहट हो जाती है कि आधी रात को सई को कोई मारने की कोशिश कर सकता है, तो विराट ये डिसीजन लेता है कि वो सई के ही आउट हाउस के बाहर उसकी चौकीदारी करेगा ताकि उसको और सवी को कुछ ना हो सके। इसलिए वो दरवाजे के बाहर ही बैठकर वहीं से एक कपड़ा लेता है और उसको ओढ़कर वहीं पर पूरी रात बैठने का फैसला करता है। पत्रलेखा विराट को ऐसा करते देख लेती है और वो और भी जल भुन जाती है। तभी वो आकर विराट ने जो कपड़ा ओढ़ा होता है उसको पूरी तरह काट देती है, और ये कपड़ा किसी और का नहीं बल्कि सई का होता है। सई जब दूसरे दिन उठती है तो देखती है कि वो पूरा कपड़ा कटा हुआ है, और वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये किसकी साजिश हो सकती है। पत्रलेखा के बारे में ऐसी बात तो वो सोच भी नहीं सकती, लेकिन आखिर कौन है जो सई के पीछे पड़ा है, जिससे सई की जान को खतरा है। इस सीरियल से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।